हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ये देखिए आज मैं बेबी बूट लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर बेबी जुती है देखिए कितनी सुंदर बनी है और ये इसके नीचे का पार्ट है ये देखिए नीचे से हमने इसको शुरू करके बनाया है और ऊपर जाके ख़त्म किया है ये देखिए कितनी सुंदर बनी है अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी ये कैसे बनाई गई है अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बनाइए हमारे साथ ये देखिए ये मैंने इसमें पचपन फंदे लिए हैं अब मैं इन पहले बॉर्डर बनाया है यानी कि बारह सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी डाली हैं इस प्रकार से हमारी छः लाइनें बनती हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ लाइनें हमने इसमें डाली हैं अब मैं इसके हाफ पार्ट करूंगी। ये देखिए आप ऊपर कैसे बनाना है इसके हाफ फंदे करेंगे आप इसे वन कलर में भी बना सकते हैं और टू कलर में भी बना सकते हैं पहले हम सीधा सीधी सिलाई उतार कर इसके हाफ फंदे करेंगे ट्वेंटी सिक्स फंदे एक साइड करेंगे और ट्वेंटी सिक्स फंदे दूसरी साइड और तीन फंदे हम बीच के लिए रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व ये थर्टीन थर्टीन फंदे जोड़े हमने एक साइड किए और थर्टीन जोड़े हमने दूसरी साइड किए अब बीच में हमारे एक्स्ट्रा तीन फंदे हैं इन तीन फंदों को कैसे कम करेंगे ये देखिए आप यहीं से हम इनको इस प्रकार से करेंगे दो फंदे हमने निकाले आगे वाला फंदा पहले ले लिया और बीच वाला फंदा उसके ऊपर लगा दिया अब इन तीनों का एक बनाएंगे ऐसे फिर बाकी के फंदे जो हैं वो सिंपल बुनेंगे ऐसे जैसे हमारी सिंपल सिलाई बनाई गई है सीधे सीधे बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे इस प्रकार से पूरी रो को सीधा सीधा कंप्लीट करना है अब आगे हम उल्टी साइड ये हमने यहाँ से शुरू किया है ये हमारा नीचे का पार्ट है और ये यहीं से हमने अपनी कटाई शुरू की है ये देखिए अब ये उल्टी उल्टी रो बनाएंगे पूरी रो को उल्टा उल्टा कंप्लीट करें अब मैंने ये देखिए दूसरा कलर लगा लिया है इसमें अब दूसरे कलर से कैसे बनाना है ये देखिए ऐसे ही दो दो सिलाइयाँ डालकर हमने इसको कंप्लीट करना है अब ये देखिए जहाँ पर हमने घटाई किया था तीन फंदों का एक बनाया था वहाँ तक इस तरह से सीधी सीधी सिलाई बनाकर लेकर आनी है अब यहाँ पर हमने ये तीन फंदों का एक बनाया था अब इसके आगे वाला एक फंदा रखेंगे अब यहाँ पर ट्वेंटी फाइव फंदे हमने इसमें बना लिए हैं और ट्वेंटी सिक्स फंदे इसमें सिलाई में हैं तो इसलिए एक फंदा अब इसमें रख लिया है अब यहाँ पर फिर से तीन का एक करेंगे एक फंदा इधर से लेंगे एक इधर से लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इनको लूज करके थोड़ा सा फिर तीनों का एक बनाएंगे ऐसे अब बाकी की सिलाई इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे सिंपल सिंपल सीधा और उल्टा आप कोई डिज़ाइन भी रख सकते हैं इसमें इस तरह से ही आप घटाते रहें हर सिलाई में एक एक फंदा हम सीधी साइड से कम करते रहें ये हमने सीधी साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली अब उल्टी साइड उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और जिस प्रकार से मैंने अभी दो बार घटा कर दिखाया है इसी प्रकार से घटाते हुए हम इस सॉक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आगे दिखाऊंगी। ये देखिए हर सिलाई में मैंने एक एक फंदा घटाकर कर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है जितनी आपने लंबाई देनी है बच्चे के पैर के हिसाब से और अब यहाँ पर ऊपर थर्टी सिक्स फंदे रखे हैं अगर आप फंदे कम रखना चाहें तो और भी कटाई कर सकते हैं अगर ज़्यादा फंदे रखना चाहें तो इससे कम कर सकते हैं यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक सिक्सटीन एटीन सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं दो दो लगा कर अब इसके ऊपर हम डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे किया फिर दो फंदे का यहाँ पर एक करेंगे और धागा आगे रखें ऐसे धागा आगे किया और दो फंदे का एक करें इस प्रकार से आप डोरी डालने के लिए होल बना सकते हैं पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है अगर आपने होल दूर दूर बनाना है तो उसमें बीच में ऐसे फंदा सिंपल बुन सकते हैं होल आपकी इच्छा से बनाएं दूर बनाने हैं या नज़दीक बनाने हैं ये देखिए यह हमने पूरी कटाई पूरे होल कंप्लीट कर लिए यहाँ तक अब उल्टी सिलाई हम उल्टी कंप्लीट करेंगे जो जाली वाला फंदा है उसको गिराना नहीं है उसको सिंपल बुन लेना है उल्टा उल्टा ऐसे पूरी रो इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है ये देखिए जाली वाला फंदा है तो इसको यहाँ से बुन लें इस तरह से ये होल बन जाएंगे और हम इसमें डोरी बना देंगे पूरी रो को उल्टा उल्टा कंप्लीट करना है अब इसके ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे आप चाहें जो बार्डर बना सकते हैं हम इसके ऊपर उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाएंगे अब जितना लंबा चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहें उतना बनाइए हम इस पर यहाँ पर इस तरह से उल्टी उल्टी सिक्स रो बनाएंगे इस प्रकार से अब सिक्स रो उल्टा उल्टा दोनों साइड से इसी तरह से बनेंगे अब सिक्स रो कंप्लीट कर लें फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए इसकी मैंने सिक्स रो उल्टा उल्टा कंप्लीट कर ली है बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये बेबी शूज़ और अब इसको हम घटा देंगे घटाई करने के बाद इसमें सिर्फ एक सिलाई आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इस प्रकार से फोल्ड करके आप सील दें यहाँ से लेकर और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई में ही ये पूरी बन जाएगी और इस प्रकार से इसको घटाना है ये देखिए ऐसे करके एक फंदा बुना पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा दिया एक फंदा बुना और पीछे वाला इसके ऊपर से गिरा दिया इस प्रकार से आपको इसकी पूरी कटाई करनी है अगर आपको हमारा जूती अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार से बनाइए